हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहरुख ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा क्लास 12 पास के बारे में। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैं आप लोग बताया था क्लास 10 पास के बाद आप कैसे मर्चेंट में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए क्रू कैटेगरी, मतलब नॉन ऑफिसर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा एज ए ऑफिसर लेवल का जो कोर्स होता है आप कैसे कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल के बारे में बताऊँगा और दोस्तों कुछ कॉलेज का नाम और कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ के बारे में आप लोग बताऊंगा, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोर्स करने से पहले। और दोस्तों, आप लोगों को सैलरी तो पता है मर्चेंट नेवी में बहुत ही अच्छा है, हाईएस्ट लेवल का सैलरी, और आपको बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी कंट्री घूमने को मिलेगा फिर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये सब है। तो आज चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट वार्निंग है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डिस्प्ले में शो होगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि दो इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या क्या है। फर्स्ट तो आपको एजेंट से बचना है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपको एजेंट से बचना है, और जो आरपीएसएल ऑफिस है मतलब कंपनी समझ लो, जो फ्रॉड कंपनी उससे बचना है और फ्रॉड इंस्टीट्यूट से बचना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ही है, कोर्स करना है, तो आपको डीजी शिपिंग अप्रूव जो इंस्टीट्यूट है आपको उधर से कोर्स करना है। और दोस्तों, वेबसाइट का नाम देख सकते हैं, आपका डिस्प्ले में शो हो रहा है, www.dgshipping.gov.in। दोस्तों, अगर आपको कोर्स करना है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है या फिर मेडिकल करना है मर्चेंट नेवी में, तो दोस्तों आप सब कुछ डीजी शिपिंग अप्रूव से इधर होता है काम, और आपको आपको भी दोस्तों डीजी शिपिंग को फॉलो करना है और इधर से सब कुछ करना है, कोर्स करना है आपको डीजी शिपिंग अप्रूव कॉलेज से। आपको मेडिकल करवाना है तो डीजी अप्रूव से ही करना है, ठीक है, नहीं तो आपका अप्रूव नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक नंबर में है डीएनएस कोर्स। दोस्तों, डीएनएस का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है, ऑफिसर कैटेगरी का कोर्स है, मतलब डायरेक्ट आप ऑफिसर नहीं बन जाओगे, ठीक है, आपको सेल करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद आपको 18 महीना एक साल ऐसा सेल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सेकेंड मेरिट का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर आपका प्रमोशन होगा थर्ड मेरिट में, ठीक है, ऐसा सीन है। तो मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट है डीएनएस कोर्स, डीएनएस, और सेकंड है बीएससी नॉटिकल साइंस, और थर्ड है बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, डीएनएस कोर्स के बारे में आप लोग बता देता हूँ, ये एक साल का कोर्स होता है और इसमें लगभग आपका खर्चा होगा 3 से 5 लाख, ठीक है, ये कॉलेज का पर डिपेंड करता है। और बीएससी नॉटिकल साइंस, इसका लगभग खर्चा होगा 9 से 12 लाख। दोस्तों, ये भी कॉलेज का पर डिपेंड करता है, फीस कितना लेती है कॉलेज, ठीक है। और दोस्तों, बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसमें लगभग आपका 10 से 14 लाख खर्चा होगा, और दोस्तों ये भी कॉलेज का पर डिपेंड करता है। डीएनएस का एक साल का ड्यूरेशन है कोर्स का, और बीएससी नॉटिकल साइंस का 3 साल का ड्यूरेशन है, और बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग का 4 साल का ड्यूरेशन है कोर्स का, ठीक है। और दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट तो 12 पास होना चाहिए विथ पीसीएम, ठीक है, एवरेज मार्क्स आपका 60% होना चाहिए, और पीसीएम में आपका 60% से ज़्यादा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश पे आपका 50% से ज़्यादा, ठीक है। और दोस्तों, आपका जो एज है 25 से कम होना चाहिए, मतलब 17.5 से 25 तक, ठीक है, ये एज लिमिटेशन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेडिकल के बारे में। दोस्तों, मेडिकल के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेडिकल, क्योंकि ज़्यादातर बंदा का जो आई साइट है वो आई साइट का प्रॉब्लम होता है, 6x6 तो मस्ट है, ठीक है, मर्चेंट नेवी में 6x6 चाहिए। और दोस्तों, नो कलर ब्लाइंडनेस, अगर आप प्रॉब्लम है आपका कलर ब्लाइंडनेस का तो आप नहीं आ सकते, आप मेडिकल में फेल हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपका कोई मेजर ऑपरेशन है तो नहीं चलेगा, अगर टीवी जैसा कोई भी बीमारी है तो नहीं चलेगा। अगर आप मेडिकल का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मर्चेंट नेवी में मेडिकल कैसे होता है। दोस्तों, ये है मेडिकल। दोस्तों, आप बात करते हैं IMU CET के बारे में। दोस्तों, IMU CET का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, दिसंबर में और जून का महीना में। दोस्तों, IMU का फुल फॉर्म है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, और CET का फुल फॉर्म है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन से पहले, आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा उससे पहले आपको ये एग्ज़ाम देना है, और अगर आप एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी आप एक कॉलेज, अच्छा कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, अपना हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये IMU CET का सीन। और स्पॉन्सरशिप के बारे में आप लोग बता देता हूँ। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है स्पॉन्सरशिप का आपको तैयारी करना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, और एक एग्ज़ाम, ठीक है, ये सब का आपको तैयारी करना है।
और स्पॉन्सरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बच्चा तो कोर्स कर लेगा पैसा जुगाड़ करके, बट उनको जॉब नहीं मिलती। बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनका फॉर्म निकलता है, आप उसका वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो MSc वगैरह कुछ भी, एंग्लोस्टन और भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो स्कॉर्पियो है, सिनर्जी है, सबका फॉर्म निकलता है, उसका वेबसाइट में जाके आप चेक करना। शायद 400-500 रुपया खर्चा होगा फॉर्म फिल करना, फिर आपको कंपनी बुलाएगी, इतना तारीख का आपका इंटरव्यू है और साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एग्जाम एग्जाम जो भी है सब कुछ लिया जाएगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका नाम स्पॉन्सरशिप में आ जाएगा, फिर आप जब कोर्स कंप्लीट कर जाएंगे फिर आपका जॉब का गारंटी पूरा कंपनी देगी, ठीक है, आपको कंपनी जॉब देगी, मतलब आप स्पॉन्सर हो, ठीक है, आपको कोई डरने की बात नहीं, आपको जॉब 101% मिलेगा। तो दोस्तों ये है स्पॉन्सरशिप का सीन। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों सैलरी ऐसे आप डेडिकेटेड ज्वाइन करेंगे जहाज पे तो आपका सैलरी रहेगा $400 से $500 पर मंथ कहीं, और आपको लगभग आपको 18 महीना आपको जहाज में काम करना है। अगर आप DNS कोर्स करते हैं तो आपको 18 महीना का सी सर्विस चाहिए, फिर आप जो सेकेंड मेट का एग्ज़ाम है फिर उसके लिए एलिजिबल है। फिर अब अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं तो आपका प्रमोशन होगा थर्ड मेट में, तो आपका सैलरी लगभग 1.5 लाख तक पहुँच जाएगा, ठीक है, पर मंथ का हिसाब से। और अगर आप BSc नॉटिकल साइंस जो कोर्स है अगर करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सी सर्विस, मतलब जहाज में आपको 1 साल काम करना है, उसके बाद आपका सेकेंड मेट का एग्ज़ाम होगा, फिर आप क्लियर कर जाते हैं तो थर्ड मेट, फिर आपका सैलरी तो सेम 1 से 1.5 लाख का बीच में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम ID दे सकते हैं, फॉलो करना मुझे, और कुछ भी डाउट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर भी है, इंट्रो पे आप देख सकते हैं, जब इंट्रो स्टार्ट होगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है मेरा, ठीक है, इधर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।